हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द बैक बेंचर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आए हैं। जैसे अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले सीजीएल के बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जिसका एक एग्जाम हो भी चुका है और मेन्स लेवल अब एग्जाम होने वाला है, या फिर से उनका एसएससी का कैलेंडर आया है जिसमें सीएचएसएल का भी एग्जाम आने वाला है। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनता है इस पे, ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी रिसेंट में हुए हैं या पास्ट में हुए। तो हम यहाँ पे उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे जो हमारी डिफेंस करती है दूसरी कंट्रीज के साथ, या इंटरनल भी जो एक्सरसाइजेस होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आगे जाने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं, थोड़ा हम बेसिक अपना तैयार कर लेते हैं कि हमारा माइंड सोचेगा ना कि ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती क्यों है, सिर्फ हमारी कंट्री के जो डिफेंस है वो नहीं करती, बहुत जो दूसरी कंट्रीज की भी है वो भी करती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हम एक दूसरे के जो आर्मर्स हैं, एक दूसरे के जो स्किल्स हैं, वॉर टेक्निक्स हैं, उसको हम जान पाए, और ये हमें इवेंचुअली काम आएगा। क्योंकि जब मान लीजिए कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री से लड़ रहे हैं और अगर हमारे पास अगर ऑलरेडी अच्छे से स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे अपनी एनिमी को। और कभी एक ऐसा सिचुएशन भी आ जाए लाइक वर्ल्ड वॉर की तरह सिचुएशन आ जाए जहाँ पे दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्रीज एक साथ मिलकर दूसरी कंट्री के अटैक कर रही हैं, तो इसमें भी दो कंट्रीज के बीच का जो डिफेंस है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। ओके, तो बहुत सारी ग्रुप्स हैं या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो एक साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और एक दूसरे के स्किल्स को जानते हैं, समझते हैं और उसको अपने मिलिट्री में भी इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ये तो हो गया बेसिक पार्ट। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले इस मिलिट्री एक्सरसाइजेस के टाइप्स में। तो बेसिकली तीन टाइप्स के मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज बायलेटरल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीलेटरल, और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिलेटरल, या आप जिसे इंटरनल भी कह सकते हैं। बायलेटरल में दो कंट्रीज एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, मल्टीलेटरल में दो से ज्यादा कंट्रीज हो सकते हैं, और यूनिलेटरल में एक देश के अपनी ही जो डिफेंस है वो अपने में ही मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे नेवी की आर्मी के साथ कर रही हो, या आर्मी एयरफोर्स के साथ कर रहे हो, या ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जिसमें पुलिस और हमारी आर्मी मिलकर एक साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है। तो हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पार्ट्स में सुने, क्योंकि एक बार में पूरा याद करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप इसको पार्ट्स में सुने और बार बार लूप में सुने, तो हमारा माइंड एक चीज को जब बार बार सुनता है तो उसे बहुत आसानी से कैप्चर कर लेता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। मस्त प्लान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है बायलेटरल एक्सरसाइज। इन टाइप के एक्सरसाइजेस में बेसिकली दो कंट्रीज ही होती है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है दैट इज बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज। ओके, तो ऐसे में सिर्फ दो ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है और एक दूसरे के स्किल्स को, एक दूसरे के आर्मर्स को, एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, आर्मी के बीच में और नेवी के बीच। तो जब दोनों देश की आर्मी एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ओके, और जब दोनों देशों की जो नेवीज है वो एक साथ रहती हैं तो एक साथ एक्सरसाइज करती हैं, उनको बोलते हैं ऑस इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, ऑस, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड टी आर ए एन हिंद, ये हिंदुस्तान का हिंद है, तो ऑस्ट्रे हिंद आर्मी के बीच में होता है और नेवी के बीच में ऑस इंडेक्स। ओके, इन दोनों को याद रखिए। अब हम चलते हैं दूसरा, जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल रिलेशन है, तो इनकी जो आर्मीज है वो भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है। तो जब दोनों देश की जो आर्मी एक्सरसाइजेस करती है तो उसका नाम है संप्रीति। ओके, संप्रीति। उसके बाद जो दोनों देश की नेवीज है वो एक साथ जब एक्सरसाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं इन बी एन कॉर्पेट। कॉर्पेट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ये बाद में भी आपको काम आएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों। और इन मतलब इंडिया एंड बीएन मतलब बांग्लादेश, तो ये एक बहुत आसान है इसको याद करना। तो एयरफोर्स जब दोनों कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करती है तो उसको हम बोलते हैं टेबल टॉप एक्स, एक्स फॉर एक्सरसाइज, तो टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो इसको भी आप याद रखिए। अब हम चलते हैं इंडिया एंड चाइना। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इंडिया एंड चाइना भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और वो आर्मी के बीच में होता है, दैट इज हैंड इन हैंड। तो इसे भी याद रखिए क्योंकि आजकल न्यूज में इंडिया और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब हम चलते हैं इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस एक काफी अच्छा दोस्त है इंडिया का, तो इनके आर्मीज के बीच में जो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं शक्ति। ओके, इंडिया एंड फ्रांस और इंडिया एंड जापान के बीच में जो भी ऐसे वर्ड्स है ना, बहुत तगड़े तगड़े वर्ड्स इन्होंने चूज किया है। तो आर्मी के बीच में जो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है उसे हम शक्ति बोलते हैं, जो नेवीज के बीच में होता है उसको हम वरुणा बोलते हैं, और जो एयरफोर्स के बीच में होता है उसको हम गरुड़ा बोलते हैं। तो ये तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, आर्मी के बीच में शक्ति और नेवी के बीच में वरुण, वरुण भगवान, जैसे आपने सुना होगा, आई थिंक हिंदू कल्चर में वरुण भगवान को शायद समुद्र के देवता को बोलते हैं, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं इसमें यहाँ पे गलत हूँ तो। और गरुड़ा, गरुड़ा तो नेवी जैसे सजेस्ट कर रहा है, गरुड़ एक वर्ड है, तो एयरफोर्स के लिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है उनको हम गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ा। ओके, नाउ लास्ट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया।
इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में भी जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं गरुड़ शक्ति। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो आर्मी के बीच का होता है उसको हम शक्ति बोलते हैं, और जो नेवी के बीच में होता है वो वरुण है, और एयरफोर्स के बीच में गरुड़ा होता है। अब यहाँ पे इन्होंने दोनों का नाम मिला दिया, देखिए फ्रांस का जो एयरफोर्स इंडिया के साथ और आर्मी के साथ जो दोनों नाम है उनको मिला दिया, और यहाँ पे हो गया गरुड़ शक्ति। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम अलग अलग है, और दोनों जब साथ में तभी भी अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेवी के बीच में है, उसका नाम है इंड इंडो कॉर्पेट, इंड फॉर इंडिया, इंडो फॉर इंडोनेशिया, एंड कॉर्पेट दैट इज द एक्सरसाइज। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री आ रही है वो है इंडिया एंड जापान। तो इंडिया एंड जापान भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं। ओके, तो इनकी जो आर्मीज के बीच में जो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है उसे बोलते हैं दैट इज धर्म गार्जियन। ओके, धर्म गार्जियन। उसके बाद नेवी के बीच में जिमेक्स, नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसे हम बोलते हैं जिमेक्स। ओके, उसके बाद अब चलते हैं इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं प्रबल दोस्तिक, प्रबल दोस्ती, यहाँ पे टी वाई के है तो प्रबल दोस्तिक। ओके, उसके बाद इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो यहाँ पे आर्मी के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं खंजर, ये काफी अच्छा वर्ड है खंजर। ओके, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज ई के यू वी आई आर आई एन, दैट इज यूकेवेरिन। आई डोंट नो मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया, मंगोलिया के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में भी काफी दोस्ती है, यहाँ पे आर्मी के बीच में जो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे हम बोलते हैं इम्पेक्स, और जो नेवी के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं इमकॉर। ओके, इन दोनों को याद रखिए। उसके बाद इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है, देखिए नेवी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता नेवी का, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो आर्मी का ही एक हो सकता है, दैट इज सूर्य किरण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच में जो आर्मी है, आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है अल नगह। ओके, उसके बाद नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे हम बोलते हैं नसीम अल बहार। उसके बाद एयरफोर्स के बीच में है ईस्टर्न ब्रिज फोर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे हमारे पास कंट्री आ रहा है दैट इज इंडिया एंड रशिया, काफी यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज रिलेशनशिप पे आजकल सवाल हैं। तो इंडिया एंड रशिया, रशिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड भी था, तो जो दोनों देश के बीच में आर्मी के बीच में यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं इंद्र, इंद्रा या इंद्र, और नेवी के बीच में इंद्र नेवी। ओके, काफी आसान है, और एयरफोर्स के बीच में जो होता है उसको भी हम इंद्र ही बोलते हैं, तो काफी आसान है तीनों के जो एक्सरसाइजेस हैं उसको याद करना, इंद्र, इंद्र नेवी और इंद्रा। ओके, तो इंडिया और सेचल्स के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं लेमिटाई, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली। नाउ द नेक्स्ट कंट्रीज आर इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं मित्र शक्ति, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसे हम बोलते हैं मित्र शक्ति, और जो नेवी के बीच में एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं श्रीनेक, एस एल फॉर श्रीलंका, आई एन फॉर इंडिया, तो श्रीलंका इंडियन एक्सरसाइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज थाईलैंड, थाईलैंड के बारे में तो आप में से बहुत से लोगों ने सुना ही होगा, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, इसके बारे में तो मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा। ओके, तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होता है उसका जो नाम है दैट इज मैत्री, ठीक है, और जो दोनों कंट्रीज के बीच में नेवी का है दैट इज इंडो थाई कॉर्पेट। ओके, अब यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं सीएम भारत। ओके, अब ये हो गया थाईलैंड का, अब चलते हैं लास्ट दैट इज इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यूके, तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो आर्मी का यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं अजय वॉरियर। ओके, अजय वॉरियर या अजय वॉरियर। उसके बाद जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवी का एक्सरसाइज होता है उसको हम बोलते हैं कोंकण, कोंकण एक्सरसाइज। उसके बाद जो दोनों कंट्रीज का जो एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष फोर। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे इंडिया एंड थाईलैंड का पहले डिस्कस कर लिया है तो ये स्लाइड रिपीट हो रहा है, तो अब हम लास्ट यहाँ पे इंडिया एंड यूएसए की बात करते हैं, इंडिया एंड यूएसए के रिलेशन भी काफी यहाँ पे अच्छा है। इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं युद्धाभ्यास, ये आपने रिसेंट में बहुत सुना होगा न्यूज आर्टिकल्स में भी, अभी हुआ भी है, तो युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों यहाँ पे नाम है, अभी युद्धाभ्यास कुछ ही टाइम पहले हुआ है जिसके कारण चाइना बहुत परेशान हो गया था। नाउ नेवी के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज, ये एक मल्टीलेटरल है लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे और भी कंट्रीज यहाँ पे शामिल है जिन कंट्रीज का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी हम बायलेटरल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो ये मालाबार एक्सरसाइज आप याद कर लीजिए। उसके बाद एयरफोर्स, एयरफोर्स के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग 16-1। ओके, नाउ इंडिया और वियतनाम के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होता है ये लास्ट है, उनको बोलते हैं विनबैक्स, विन फॉर वियतनाम एंड दैट इज बी फॉर आई थिंक भारत एंड एक्सरसाइज समथिंग लाइक दैट, ऐसे याद कर सकते हैं विनबैक्स। Yes, yes, yes. Give it a dump, yes, yes, yes.
double, double, yes, 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 yes. Elate mi na stan.